ME MA 304 CNC machines and automation. Unit 2nd, component of NC machines. और इस चैप्टर का थर्ड यूनिट 2.3 NC कोडिंग में आज हम आगे चर्चा करेंगे. पिछले लेक्चर में मैंने NC कोडिंग तथा डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में समझा चुका हूँ. इसके अलावा बाइनरी कोडेड डेसिमल भी हम चर्चा कर चुके हैं, यानी जो कोडिंग फॉर्म होती है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल के अनुसार ही हम कोडिंग करते हैं. इसके अंदर अब आगे जो चीज़ आती है वो आती है ISO न्यूमेरिकल कोड. ISO न्यूमेरिकल कोड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सजेस्टेड ISO 7-bit कोड है, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है. ये आपके पास चित्र है जो कि रिप्रेजेंटेशन है एक ISO न्यूमेरिकल कोड का. तो इसके अंदर फिगर को आप देखते चलिए, इसके अंदर जो भी होल्स आपको दिख रहे हैं, मतलब काले काले आपको होल्स दिख रहे हैं, वो होल किए हुए हैं चित्र में. तो इस पंच्ड पेपर टेप पे, ये एक पंच्ड पेपर टेप है जिस पर होल हुए हैं ISO 7-bit कोड के अनुसार. तो पंच्ड पेपर टेप पर डेसिमल इक्विवेलेंट और उसका क्या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो दिखाया गया है. मतलब डेसिमल वैल्यू आपकी कोई है 2, 3, 4, 7, 8, 10, 22, 26, तो आप डेसिमल वैल्यू को के अनुसार आप होल नहीं करते हैं. पहले भी बता चुका हूँ, जो इसके अंदर कोडिंग का जो सिस्टम है, जो होल करेंगे अपन, वो उस डेसिमल वैल्यू के जो बाइनरी इक्विवेलेंट है, यानी उस डेसिमल वैल्यू को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए. जैसे मैंने बताया था पिछली बार, वो एक अपन ने एक्सरसाइज की थी कि 57 अपनी एक डेसिमल वैल्यू थी और उसका अपन ने बाइनरी इक्विवेलेंट बनाया था. तो बाइनरी इक्विवेलेंट क्या बना था उसका, 111001. तो इसमें जो होल होगा वो 57 के हिसाब से नहीं होगा, डेसिमल वैल्यू 57 के हिसाब से नहीं होगा. डेसिमल वैल्यू के इक्विवेलेंट जो बाइनरी कोड बना, क्या बना था, 111001, 111001. तो जो होल होंगे वो 111001 के हिसाब से होंगे और उसका मतलब 57 होगा. तो पंच्ड पेपर टेप पर डेसिमल वैल्यू के इक्विवेलेंट जो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसके अनुसार जो होल हैं वो दिखाया गया है. तो ISO 7-bit कोड में कोडिंग के लिए 60 ट्रैक्स काम में आते हैं. ये आप देख रहे हैं 60 ट्रैक्स. ऊपर देखिए, ऊपर लिखा हुआ रिप्रेजेंटेशन इन पंच टेप. तो आप लेफ्ट साइड से देखिए, ऊपर पहली जो लाइन लिखी हुई है 1, 2, 3, देन F, उसके बाद 4, 5, 6, 7 और फिर P. ये आपके वर्टिकल कॉलम्स बने हुए हैं. तो ISO 7-bit कोड में, ISO 7-bit कोड में कोडिंग के लिए 60 ट्रैक्स काम में आते हैं. कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और सबसे लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट के अंदर 7 के बाद आपको दिख रहा है पी. पी का एक कॉलम बना हुआ है, वर्टिकल एक कॉलम बना हुआ है पी. तो 60 ट्रैक्स में 1 से लेकर 7 तक तो आपको होल पंच करने डेसिमल वैल्यूज़ के इक्विवेलेंट बाइनरी की. और जो सबसे लेफ्ट मोस्ट ट्रैक है, 8वां ट्रैक है जो पी है, उसको अपन कहते हैं पैरिटी चेक. और ये पैरिटी चेक के लिए रिजर्व्ड होता है. अब पैरिटी चेक क्या है, पैरिटी चेक वह सिस्टम होता है जिसकी सहायता से जब हमने कोई डाटा ट्रांसमिट किया तो उसके दौरान अगर कोई गलती हुई है तो उसको चेक करने के लिए काम में आता है.
पी वाला जो पी में जो होल दिख रहे हैं वो पैरिटी चेक है। तो डाटा ट्रांसमिशन में अगर कोई गलती हुई है तो उसको चेक करने के लिए इस आठवें ट्रैक का पी ट्रैक का उपयोग किया जाता है और पैरिटी चेक अपन अलग से डिस्कस करेंगे। अब ट्रैक तीन और चार के बीच में ये आप देखिए कि वर्टिकल होल्स की एक लाइन है, इस फिगर में आप देख रहे हो तीन और चार के बीच में एफ दिख रहा है और उसमें हर जगह होल हुए हुए। ये जो एफ है, ये जो होल्स की जो वर्टिकल लाइन है स्ट्रीम है, वो फीड होल्स का काम करती है। फीड होल्स का काम करने का मतलब इसके अंदर मशीन का स्पॉकेट फंस के इसको आगे चलाता है, यानी रोल को, ये पेपर टेप का रोल है और इस रोल को वो आगे सरकाने का काम करता है। और ये होल्स की लाइन कोडिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होती, इसमें कोई कोडिंग नहीं करनी है। ये होल केवल इसलिए बने हुए हैं एफ की लाइन के होल के उस पेपर टेप को आगे घुमाना है, उसमें गियर फंस के, उसके टीथ फंस के इस पॉकेट के, और वो इसको चलाते हैं। तो ये जो सातवां, ये जो एफ लाइन है, इसके अंदर कोडिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होती। अब ISO न्यूमेरिकल कोड में 0 से 9 तक की संख्याओं के लिए, यानी जो डिजिट्स हैं उनकी संख्याओं के लिए 5 और 6 ट्रैक में होल किया जाता है। दिख रहा है F के बाद 4, उसके बाद 5 और 6। 5 और 6 में अगर आप होल कर रहे, अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू का इक्वलेंट बाइनरी वैल्यू डाल रहे हो, समझना इस चीज़ को कि अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, सपोज आपके पास नंबर है 27, उसका इक्वलेंट बनाया बाइनरी, तो 27 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये चीज़ शो कहाँ पे होगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को आप फीड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 5 और 6 में होल करना पड़ेगा। तो 5 और 6 में अगर आप होल कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बता रहा है। तो अपनी जो संख्याएं हैं उसके लिए 5 और 6 में होल करना जरूरी होगा, जिससे कि वो मशीन ये समझ जाए कि आप एक संख्या की बात कर रहे हैं। अब बाकी जगह जो होल होंगे संख्याओं के लिए वो कैसे होंगे, जो भी डेसिमल नंबर है, ठीक है, 57 की बात करें तो मान लो आपको 57 की फीडिंग करनी है, होल बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 57 डेसिमल नंबर के इक्वलेंट जो बाइनरी नंबर है उस पहले उसका बाइनरी नंबर बनाओ और बाइनरी नंबर बना के उसके अनुसार होल पंच करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे को एक, मेरी डेसिमल डिजिट 1 है, यानी डेसिमल डिजिट 1 है, तो इसको मैं कैसे पंच करूंगा, तो सबसे पहले मुझे डेसिमल नंबर 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट बनाना होगा। डेसिमल वैल्यू 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट भी 1 ही होगा, है ना, तो इसके लिए एक नंबर ट्रैक में होल पंच होगा। ये देखिए एक नंबर जो होल है इसके अंदर मेरा जो वो है मुझे होल करना पड़ेगा। अब चूंकि ये डेसिमल नंबर है, डिजिट है, नंबर की वैल्यू है 1, तो 1 के इक्विवेलेंट बाइनरी बना 1, तो मैंने फर्स्ट लाइन के अंदर, फर्स्ट 1 के अंदर उसका होल कर दिया। लेकिन साथ के साथ मुझे 5 और 6 में भी करना पड़ेगा। 5 और 6 से मशीन ये समझ जाएगी कि जो एक नंबर में होल हुआ है वो किसी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मशीन उसको एज ए डेसिमल नंबर की तरह ही रीड करेगी या लेगी। अब इसी तरीके से अगर मुझे 2 डिजिट के लिए डेसिमल नंबर 2 है उसके इक्विवेलेंट मुझे होल ट्रैक करना है, तो सबसे पहले मुझे 2 के इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, वो भी 2 ही होगा, तो इसके लिए ट्रैक 2 में और ट्रैक 5-6 में होल करने पड़ेंगे। 2 का अगर मैं बाइनरी इक्विवेलेंट निकालूं, 2 मेरी डेसिमल नंबर है, 2 मेरा डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है, 2 में मैं 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, और रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो मेरा इसका 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या बना, 1-0, ठीक है, 1-0। तो अपन जो होल करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, वो केवल 1 के लिए करते हैं, यानी ऑन पोजीशन। यहाँ पे मैं तो आपको पहले भी बता चुका था कि जो
वन का मतलब है ऑन पोजीशन और जीरो का मतलब है ऑफ। तो अगर जहां आपने जीरो किसी जगह होल नहीं किया है तो मशीन ये मान रही है कि वो जीरो है, वो ऑफ कंडीशन है, और जहां आप होल कर रहे हैं उसका मतलब एक है, ऑन पोजीशन है एक। तो दो का अगर अपन देखें, दो का बाइनरी इक्वलेंट क्या बना, वन जीरो, तो जीरो का तो होल होगा नहीं और वन का होल होगा। तो पीछे से आप देखो, दस हुआ ना, दो का इक्वलेंट बाइनरी इक्वलेंट दस हुआ, तो जीरो पे तो होल नहीं करना इकाई नंबर पे, और पीछे से दूसरे नंबर पे ढाई के ऊपर वन है, तो कौन सी लाइन में होल होगा मेरा, दूसरी लाइन में। तो इसलिए मैं दूसरी लाइन में एक होल कर दूंगा और साथ के साथ मुझे पाँच छः में भी होल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेसिमल डिजिट की बात कर रहा हूँ, गिनती की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी गिनती का अगर आपको होल करना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पाँच और छः में भी होल करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ गई। इसी तरीके से अब कोई अल्फाबेटिक कैरेक्टर है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये अल्फाबेटिक कैरेक्टर है, तो उसके लिए भी यही तरीका अपनाना होता है। क्या करना होगा कि अल्फाबेटिक कैरेक्टर के लिए हमेशा सात नंबर जो ट्रैक दिख रहा है आपको, एक दो तीन एफ, फिर चार पाँच छः और सात, सात में आप जब होल करोगे, जब आपको कोई अल्फाबेट का होल करना है। तो जैसे ही आप सात नंबर में होल करते हो तो इसका मतलब मशीन समझ जाएगी कि अब उस मशीन को केवल कोई अल्फाबेट ही पढ़ना है। अब सात नंबर में होल अपन कर दिए, इसका मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक कोई वैल्यू आएगी, ए से जेड के बीच की कोई चीज़ होगी। अब वो क्या होगी, उसका होल कैसे होगा, ये मैं बताता हूँ। चूँकि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26, ए से लेकर जेड तक 26 हैं, तो ए से जेड तक की संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। बढ़ते हुए क्रम से क्या मतलब, ए वन हो गया, बी टू, सी थ्री, डी फोर, और इसी तरीके से जेड कितना हो गया, 26। ये चीज़ क्लियर है, जेड का नंबर क्या हो गया, 26। तो अब क्या होगा कि हमें जो हमें अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी, उसके इक्वलेंट जो नंबर बना, डेसिमल नंबर बना, उसको हम फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी इक्वलेंट में। अब जैसे एक है, ए है, ए को आपको क्या करना होगा, ए का मतलब वन, ए का मतलब वन, बी का मतलब टू, सी का मतलब थ्री, ये डेसिमल वैल्यू है, तो ए का मतलब वन, तो वन का आप जब बाइनरी इक्वलेंट निकालेंगे वो वन ही होगा। तो इसके लिए ट्रैक एक में और ट्रैक सात में होल पंच होगा। सात में इसलिए होगा क्योंकि ए की बात कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं। इसी तरह बी, बी के लिए क्या हो गया, डेसिमल वैल्यू हो गई टू, तो टू का मैंने बताया बाइनरी इक्वलेंट क्या होगा, दस, वन जीरो, तो जीरो का तो होल होगा नहीं, वन का होल होगा, तो वन पीछे से देखेंगे तो दूसरी लाइन दूसरे ढाई पे आ रहा है, दो नंबर पे आ रहा है पीछे से, तो हमें दूसरी लाइन में होल करना पड़ेगा। लेकिन साथ में हमें ट्रैक सात में होल करना होगा। ट्रैक सात में होल करने का मतलब, ये जो हमने होल किया है सेकेंड कॉलम में, इसके साथ अगर मैंने ट्रैक सात में होल किया है तभी मशीन समझेगी कि मेरा मतलब बी से है, किसी अल्फ़ाबेट करेक्टर से है। तो कोई भी अल्फ़ाबेट करेक्टर की अगर आपको रिप्रेजेंटेशन आईएसओ में करना है तो आपको सात नंबर के कॉलम में उसके इक्विवेलेंट होल निकालना पड़ेगा। अब यहाँ अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे जेड का होल करना है, जेड का होल करना है, अब जेड का डेसिमल संख्या क्या हुई, 26, लास्ट का नंबर है, तो एक से लेकर 26 में जेड का बना 26। तो सबसे पहले हमें जेड का यानी 26 का बाइनरी इक्विवेलेंट बनाना होगा। तो जेड 26 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 26 का 11010, क्या बनेगा, जेड का 11010 होगा। ये देख लीजिए कि जेड 26वां करेक्टर है और उसके इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट बना 11010, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 26 26 इज 11010। अब आप इसमें देखिए कि 11 जहां पे हैं उसी ट्रैक में आपको होल करना है, उसी ट्रैक में आपको होल करना है, जीरो को तो होल नहीं करना है। तो इसमें कौन से जगह पे होल हुआ, जीरो इकाई के ऊपर, पहली पीछे से अपन चलते हैं बाईं तरफ से, राइट साइड से अपन चलेंगे, राइट साइड से पहला जीरो है, जीरो का होल नहीं होगा, तो हम फर्स्ट ट्रैक को छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। सेकंड में वन आया तो अब हम सेकंड में होल करेंगे, इसके बाद
तीसरी जगह फिर जीरो आ रहा है राइट साइड से, तीसरा फिर जीरो आ रहा है ना, जीरो का होल नहीं होगा। चौथी जगह पे फिर वन आ गया, तो वन का हमें होल करना होगा, तो वन हमारा कौन से कॉलम में बन रहा है, चार में, तो अब हम एक होल चार में भी करेंगे। फिर उसके बाद पांचवा जगह पे फिर पीछे से चल रहे हैं अपन राइट साइड से, पांचवे पे फिर वन आया, तो हम इस वन पे इसके अकॉर्डिंग पांचवे में फिर होल करेंगे। तो आप देख लीजिए कि 26 जेड विच इज 26 करेक्टर इज इक्वलेंट टू होल्स इन ट्रैक 2, 4 एंड 5। 2, 4 और 5 में क्यों हुआ है होल, क्योंकि पीछे से जब हम चल रहे हैं 26 के बाइनरी इक्वलेंट बनाया 1, 1, 0, 1, 0। तो अब हमने जब पीछे से देखना शुरू किया, पहला कॉलम जीरो का आ रहा है वो खाली, दूसरे कॉलम में वन है तो वन का होल हो जाएगा, तीसरे में फिर जीरो है यहाँ नहीं होगा, चौथे में वन है तो यहाँ होल होगा, और पाँचवें में फिर वन है तो यहाँ होल होगा। तो हमें होल कौन कौन से ट्रैक में करने होंगे, 2, 4 और 5 में। इसके अलावा हमें 7 नंबर ट्रैक में भी होल करना होगा, क्योंकि हम कौन से चीज़ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जेड का, और जेड क्या है, अल्फ़ाबेट। तो कोई भी अल्फ़ाबेट का अगर हमें इक्वलेंसी बनानी है तो एक तो 7 नंबर ट्रैक में होल होगा, और उसके इक्वलेंट, उस अल्फ़ाबेट के इक्वलेंट जो उसका बाइनरी इक्वलेंट है उसके अनुसार अपन होल कर देंगे। इसी तरीके से डिलीट करेक्टर हमें चाहिए तो हम सारे होल्स कर देंगे, सारे ट्रैक्स में होल कर देंगे, तो इसका मतलब वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से जो, अगर ये वापस मैं दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से दूसरे अगर कोई स्पेशल करेक्टर्स जो भी होंगे उसके हम बाइनरी इक्वलेंट निकालेंगे और उसके अनुसार ISO सिस्टम के अंदर उसकी कोडिंग की जाती है। तो ये जो है ये ISO न्यूमेरिकल कोड है, तो इस चीज़ को एक बार अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी।